नमस्कार दोस्तों, द वाइस मैन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमावत है और मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं आपके लिए इतिहास विषय से संबंधित वीडियो बनाने जा रहा हूं। कंप्लीट इतिहास में हम आपको एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया के बारे में कंप्लीट वीडियो लेक्चर उपलब्ध करवाएंगे। मैं बेसिकली अजमेर से मेरी एजुकेशन हुई है और मैं MSc जूलॉजी हूँ। उसके बाद मैंने MSc ज्योग्राफी से किया, देन मैंने MA हिस्ट्री से किया और उसके बाद मैंने रूरल डेवलपमेंट में डिप्लोमा किया और वर्तमान में मैं PhD कर रहा हूँ। मैं नेट GRF हूँ ज्योग्राफी से और मैंने नेट हिस्ट्री से भी निकाला है। UPSC IAS मेंस मैंने 3 बार लिखा है, 2014, 15 और 16 मैंने कंटिन्यू 3 मेंस लिखे हैं। देन मैंने RS 2012 और 13 का इंटरव्यू दिया है। वर्तमान में मैंने RS का मेंस लिखा है जिसके रिजल्ट का इंतजार है। तो अमित सर के द्वारा जो एक प्रयास किया गया है, विशेषतः उन विद्यार्थियों के लिए जो कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर कोचिंग करने में असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए हमने एक प्रयास किया है। तो अमित सर का एक प्रयास में, एक विशाल बड़े से प्रयास में मेरा भी छोटा कंट्रीब्यूशन करने का मैंने निर्णय लिया है। तो मैं बेसिकली आप लोगों को इतिहास विषय से जुड़े हुए उन सभी मतलब मुद्दों से, उन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। इतिहास के बाद हम आपको करंट रिलेशन, जो डेली करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं, उनके भी वीडियोज़ हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। देन मेरी स्पेशलिटी एनवायरमेंट एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी है। तो जैसे जैसे प्रयास करेंगे भविष्य में हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएँ। तो प्रॉपरली हम एक क्लास के सेटअप की तरह एक फाउंडेशन कोर्स का प्रारंभ करने जा रहे हैं और मेरा पढ़ाने का जो तरीका होने वाला है वो NCERT बेस रहेगा। मतलब NCERT को आधार बनाकर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि हमने UPSC दिया, हमने RS के जो एग्ज़ाम, लोकल PCS जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट के, वो दिए और बहुत से हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो सिविल सर्विसेज में चयनित है, उन लोगों के अनुभवों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत में कोई भी एग्ज़ाम जो होता है वह प्रॉपरली NCERT या 12th लेवल तक के स्टैंडर्ड के आधार पर होता है। मतलब उस प्रश्न पूछे जाते हैं वह 12th लेवल के, विशेष 12th लेवल तक आपकी अगर अच्छी एजुकेशन होती है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वह NCERT, आपको इस प्रकार से NCERT बेस्ड हम तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे, जिसमें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं हिस्ट्री विषय आपको पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री विषय क्या होता है, लोगों के मन में ये होता है कि हिस्ट्री का मतलब होता है एक डेट, हिस्ट्री का मतलब होता है किसी स्थान का नाम। हाँ, ये ज़रूरी है, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें डेट और ये लड़ाई कब लड़ी गई, इस समय इसका राजा कौन था, यहाँ ये स्थान कहाँ है, ये आवश्यक है। परंतु जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको इनसे ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण होता है उस क्षेत्र की सोशल कंडीशन कैसी थी। तात्कालिक समय में जो किंग शासन करता था उस समय उस किंग की इकोनॉमिक जो नीतियाँ थी, पॉलिसीज थी, वो किस प्रकार की थी। तो हम कंप्लीटली ऐसा एक कैप्सूल बनाएंगे जिसमें फैक्ट भी आ जाए और कंसेप्ट भी आ जाए। फैक्ट और कंसेप्ट मिलके हिस्ट्री को कॉन्साइज करने का हम प्रयत्न करेंगे, जिससे कि हिस्ट्री आपको बोरिंग नहीं लगेगी और आप अपने एग्जाम में बेटर करने का प्रयास करेंगे। और उसके अलावा जैसे आप समय समय पर हम आपको करंट अफेयर्स के वीकली, जो वीक एक सप्ताह में जो करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल्स पे जो आता है उसका डिस्कशन हम करेंगे। और ये बहुत जल्दी मेरे वीडियो आपके समक्ष आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमसे। और भी जो हमारे मित्र जो सेलेक्टेड हैं, जो अच्छी पोस्ट पे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी सेवा के लिए उन लोगों को भी आपके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए मेरा इतना ही, ये मेरा इंट्रोडक्शन था, ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए केवल और केवल इंट्रोडक्शन को लेकर लेके आया हूँ, जिससे कि मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाऊँ। और बहुत जल्दी विद इन ए वीक मैं अपना पहला हिस्ट्री का वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।